ओके okay. तो यहाँ जो ये हमने जे ड्रिफ्ट लिखा है, ठीक है, टोटल ड्रिफ्ट जो की जो करंट डेंसिटी होगी वो बेसिकली क्या होगी, होल से की वजह से जो ड्रिफ्ट करंट जनरेट हुई प्लस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ड्रिफ्ट करंट जनरेट हुई, ठीक। और ये ड्रिफ्ट करंट बेसिकली है क्या, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जब आप बात करोगे चार्ज डेंसिटी की, तो पहले देखते हैं कि चार्ज डेंसिटी क्या है। चार्ज डेंसिटी का मीनिंग है कि किसी पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर में, अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में देख रहे हो, एक पर यूनिट एरिया में देख रहे हो, तो पर यूनिट एरिया में टोटल चार्ज कितना है, ठीक है। हम बेसिकली जो चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, ठीक। तो अगर आपको ये पता हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया में कितने हैं, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है। अभी अभी देख, समझना इसको। चार्ज डेंसिटी का मतलब है किसमें? कि आपने क्या देखना है कि आपको फाइंड करना है कि मान लो ये एक सेमीकंडक्टर है, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है। इस एरिया में हमें हमारे पास हमें पता है कि 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो हमें बताना है कि इस जो बी एरिया है, इस बी एरिया में चार्ज डेंसिटी कितनी है। मीनिंग अगर हम ये कहें कि टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है, पहले हम टोटल चार्ज फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है, तो वो टोटल चार्ज क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन का, जो एक इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज होगा वो मल्टीप्लाई करा दे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो हमें मिल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे चार्ज कितना है, राइट। मीनिंग अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज देता है, 1.6 × 10⁻¹⁹, इसको हम क्यू से डिनोट कर लें, राइट। तो हमें जो अगर हमें टोटल चार्ज चाहिए होगा, तो क्यू मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स जो यहाँ चार्ज डेंसिटी होगी वो बेसिकली क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या फाइंड आउट किया था, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट किया था, मल्टीप्लाई बाय एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, माइनस होता है ना। तो माइनस जो ये चार्ज डेंसिटी होगी वो नेगेटिव, यहाँ पे सिंपली ये शो कर रहा है कि जो चार्ज डेंसिटी है, जो चार्ज है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ये जो चार्ज डेंसिटी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही। और इसी तरह से अगर होल के केस में बात करते तो वो क्या होता है, क्यू इंटू पी, ठीक। तो जब हमें ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी के लिए चार्ज डेंसिटी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पता होनी चाहिए। और चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रॉन के लिए अलग है और होल के लिए अलग है। मीनिंग हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के लिए अलग से फाइंड आउट करेंगे ड्रिफ्ट वेलोस ड्रिफ्ट करंट, हम इलेक्ट्रॉन के लिए पहले ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, और इसी तरह से होल्स के लिए ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, देन दोनों को आपस में ऐड करके हम टोटल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी बता देंगे, ठीक है। तो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी के लिए हमें हमें बेसिक क्या पता है कि ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी किसके बराबर होती है, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और चार्ज डेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, राइट। तो फर्स्ट हम बात करने जा रहे हैं ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, ड्यू टू होल ओनली। अभी हम केवल होल की वजह से जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी जनरेट हो रही है हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो हमें क्या पता है, इन जनरल अगर हम होल की ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, तो वो क्या होगा, जेपी ऑफ ड्रिफ्ट, जो कि इक्वल टू होगा
चार्ज डेंसिटी ऑफ होल मल्टीप्लाई बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है? होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, तो अब जब चार्ज डेंसिटी हमें होल्स की लेनी है तो मीनिंग ये क्या हो जाएगा? हाँ, फर्स्ट थिंग, चार्ज डेंसिटी को डिनोट करने के लिए हम रो का यूज करते हैं। ठीक है, अभी आगे जाके इसी में थोड़ा सा जब आगे बढ़ोगे तो हम एक जगह पे रो का नया रो को एक जगह पे रेजिस्टिविटी को भी हम रो से ही डिनोट करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो तुम्हारा इस ईडीसी के केस में जब इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे तो इस सब्जेक्ट में रो दो चीजों को डिनोट करता है, एक चार्ज डेंसिटी और दूसरा आगे पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी। ठीक, तो केवल इसका नोटेशन देख के नहीं सोचेंगे कि ये चार्ज डेंसिटी है या रेजिस्टिविटी। क्वेश्चन या जहां पे भी आप इसको देख रहे होंगे वहां पे क्लियरली ये मेंशन होगा कि ये चार्ज डेंसिटी है या रेजिस्टिविटी है। तो हमारा अगर होल के लिए ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी हमने देखी तो वो क्या हो जाएगी? होल का चार्ज मल्टीप्लाई बाय होल का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। और इस पार्ट को हम डायरेक्टली क्या लिख लेंगे? रो। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, रो इनटू वीडी। यहाँ पे हमने रो किस पे रिस्पेक्ट में लिया? यहाँ पे रो हमारा डिनोट कर रहा है चार्ज डेंसिटी को। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा? क्यू पी वी डी। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालें, ठीक है, रो VD, वहां पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे रो क्या है? चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट अब देखो, ये जो Q होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस Q N VD। ओके, अच्छा, अभी तक हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में हमने सिंपली डिफाइन कर दिया कि जो तुम्हारी ड्रिफ्ट करंट है, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है, वो क्या है। ठीक, यहाँ पे अभी तक हमने जो मेन रीजन था इस ड्रिफ्ट का, मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका इंट्रोडक्शन नहीं किया, मीनिंग उसके बारे में बात नहीं हुई कि हाँ वो एग्जैक्टली यहाँ पे कैसे उसका जो इफेक्ट है वो कैसे ड्रिफ्ट करंट पे दिखाई दे रहा है। तो अज्यूम किया, अभी हमने ऊपर जब हमने एक वोल्टेज सोर्स दिया था तो वहां पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट हुई थी। अब अगर हम बात करें कि किसी, जब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होंगे, अब उस इलेक्ट्रॉन पे अगर हम ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे होंगे तो उस पे जो फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा होगा वो बेसिकली क्या होगा? क्यू इंटू ई, माइनस क्यू इंटू ई। और वो किसके बराबर होगा? Mn star into A। हमने इनिशियली पढ़ा था कि जब हम क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स को इंटर रिलेट कर रहे होंगे तो क्या यूज करेंगे? इफेक्टिव मास यूज करेंगे। ठीक, ये किसके केस में फोर्स हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसे फोर्स हो जाएगा। और अभी होल के केस में अगर हम फोर्स निकालेंगे तो वो क्या जाएगा? F is equal to Q E is equal to Mn star A। यहाँ पे A क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल।
अब जब ये इलेक्ट्रॉन या होल जब एक्सेलरेट कर रहे होंगे, तो उस जब आप बात करोगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जब ये एक्सेलरेट कर रहे होंगे, तो हमें हमें ये देखने को मिला कि मतलब प्रैक्टिकली हमने ये फाइंड आउट किया, जब लो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लो होती है, तो उस लो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, वो प्रोपोर्शनल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। जो ये लो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, और उससे हमें मिल रहा था कि ई इज इक्वल टू क्या आ रहा था, म्यू इंटू वी डी। यहाँ म्यू बेसिकली क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हमने बोला है मोबिलिटी, राइट? ओके, फर्दर इस पर डिस्कशन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है? अभी अपनी सभी लोग अटेंडेंस मार्क कर देंगे। अभी तक जितना डिस्कस हुआ उसमें किसी को कोई दिक्कत आई है? नो सर। सर एक क्वेरी थी। हेलो हेलो सर, हाँ जैसे जे ड्रिफ्ट आप जो निकलवाए हैं, तो उसका ड्रिफ्ट प्लस एन ड्रिफ्ट जो वो करवाए हैं, तो आप देखिए पी ड्रिफ्ट में क्यूपी ले रहे हैं हम लोग। हाँ सर अगर इलेक्ट्रॉन में हम लोग कर रहे हैं तो इनस क्यू हो जा रहा है वही चीज, और हाँ वही अगर होल के केस में ले रहे हैं तो क्यू पॉजिटिव हो जा रहा है। सर दोनों को जब ऐड करेंगे तो जे ड्रिफ्ट हमेशा जीरो रहेगा, तो सर अच्छा, हमेशा जीरो रहेगा जे ड्रिफ्ट, हम लोग मान सकते हैं नहीं ना। नहीं 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 देखो, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप फाइंड आउट करोगे, तो देखो यहाँ पे है, एक मिनट, देखो यहाँ पे तुमने कहा कि ये क्यू पी वी डी है और ये माइनस क्यू, लेकिन यहाँ पे ये जो होल का कंसंट्रेशन है और जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है, क्या वो हमें क्या वो इक्वल है जब इन अरे दोनों? नहीं सर, हाँ सर अभी को ध्यान दे। इक्वल नहीं है, क्योंकि अब देखो एक्सट्रिंसिक समीकरण तो हम बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, होल का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, ना? इसी तरह से इसीलिए तो हम कहते हैं जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बात करते हैं, तो वहाँ पे जो तुम्हारी कंडक्टिविटी होती है, जो जो करंट होती है, वो बहुत माइन्यूट होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये एम, ये पी का कंसंट्रेशन और एम का कंसंट्रेशन, ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ये एक नेक्स्ट मामला, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होगी और होल के लिए अलग होगी, ठीक है? अभी आगे देखोगे जो ये अभी जो मोबिलिटी, ये जो एक नया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की बात की है, ये बेसिकली आगे जाके अभी कल डिस्कस करेंगे, तो ये बेसिकली क्या है, ये है मोबिलिटी है, और ये जो मोबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट होगी और होल के लिए डिफरेंट होगी। दैट इज वाई ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों का जब ऐड करोगे तो एडिशन जीरो आएगा। और नेक्स्ट थिंग, अभी जब यहाँ पे देखोगे कि ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अब देखो इलेक्ट्रॉन का मोशन और होल का मोशन, जब इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो तो पॉजिटिव चार्ज का मोशन और नेगेटिव चार्ज का मोशन दोनों क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन है। और जो वेलोसिटी है वो भी तुम्हारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मीनिंग ये जो वी टी है इसका भी अभी एक सिग्निफिकेंट साइन निकल के आएगा, मीनिंग ये भी निकल के आएगा कि जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ होल है वो, और जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। अभी नेक्स्ट सेशन में जब इसको स्टार्ट करेंगे, फर्दर आगे बढ़ेंगे, तब तुम्हें ये चीज और अच्छे से मिलेगी। कर दिए थे? नो सर, थैंक यू सर। बात कर लो।
ओके अभी कोई ऐसा जो अटैलेंस मार्क कर रहा है? जिनकी अटेंडेंस मार्क हो गई है वो मीटिंग लीव कर सकते हैं।